एक डॉक्टर होने के नाते आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर रणबीर एक साइकेट्रिस्ट और उसके पेशेंट के बीच एक बहुत अजीब सा रिश्ता होता है। बंद कमरे में एक पेशेंट जो बातें अपने डॉक्टर से शेयर करता है वो बातें उसको क्योर करने के लिए यूज की जाती हैं, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान तो वो करना चाहता है, मेरी बेटी का। मेरी बेटी को उससे बचाने के लिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं डॉक्टर, सब कुछ। देखिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री तो पूरी मैंने उस फाइल में लिख दी है। जहां तक उसकी पर्सनल लाइफ का सवाल है, आपको उसकी मां से बात करनी चाहिए। मां? वो तो कह रहा था उसकी मां मर चुकी है। झूठ बोला होगा, उसकी मां ओल्ड पीपल्स होम में रहती है। मैं उसका पता आपको लिखकर देता हूं और उसे फोन में बात भी कर लेता हूं। I'm sure she can help you. सर, वो वहां पे सर। मिसेस त्रिवेदी, मैं डॉक्टर रणबीर, डॉक्टर रणबीर मल्होत्रा। देखिए, मैं बॉम्बे से सिर्फ आप ही से मिलने आया हूं, आपके बेटे आर्यन के बारे में। वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा उसी दिन मर गया था जब उसने मेरे पति का खून किया था। आप कहना चाह रही हैं कि देखिए, मैं उस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखिए, मैं आपको आपके अतीत में ले जाकर परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आपका अतीत मेरी बेटी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आर्यन, जिसे कि आपने क्या किया आर्यन ने, ये भगवान, वो सब फिर से मत होने देना। फिर किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत होने देना। किसकी किसकी जिंदगी बर्बाद की उसने, किसके साथ किया उसने ऐसा? देखिए, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाऊंगा। मेरी बेटी आर्यन के प्यार में बुरी तरह से फंसी हुई है। वो उसकी हर बात पर यकीन करती है, यहां तक कि जब मैंने उसे इस खून के बारे में बताया तो उसने उसे कोई झूठी कहानी सुना के बहला लिया। बिल्कुल, बल्कि उसने तो यह कहा कि मैं मर चुकी हूं। उसके पापा बहुत बुरे आदमी थे, दिन रात मुझे मारते थे, और एक दिन मेरी खातिर मजबूर होकर उसने उनकी जान ले ली। जी हाँ, यही कहा उसने। झूठ बोलता है वो, उसके पापा जैसा नेक आदमी तो पूरे शहर में नहीं था। लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो। उसी कॉलेज में 12th क्लास में पढ़ता था वो। संजना नाम की एक टीचर थी वहां। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। शादी कर रही हो तुम? आर्यन, रास्ता छोड़ो। छोड़कर जा रही हो मुझे, हमेशा के लिए? आर्यन प्लीज। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। आर्यन देखो, मैं एक टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट, और तुम्हें अपने मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन मेरा मन तो लग चुका है तुमसे। आर्यन हाथ छोड़ो, बिहेव योरसेल्फ, ये एक कॉलेज है। मैं किसी से नहीं डरता। आर्यन प्लीज, मेरा हाथ छोड़ो। पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आर्यन, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, इधर आओ, ऐसे छोड़ दो उसे, इधर आओ। सुना नहीं तुमने?
मैं कह रहा हूं इधर आओ। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। बोला था ना कि तुम जाने की कोशिश मत करना, छोड़कर मत जाना। बोला था ना कि मुझे छोड़कर जाने की कोशिश मत करना। बोला था ना, पकड़ो पकड़ो उसे पकड़ो। बोला था ना। अगर हमें किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। बंद कर दो उसे, बंद कर दो उसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता उससे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप परेशान मत होइए, वो लड़की यहाँ से चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आपसे मिले बिना कैसे जा सकती थी, इसलिए मिलने चली आई सर। सर सॉरी अंकल, अगर आज आप टाइम पर नहीं आते तो मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा कि मुझे जरा भी देर हो जाती तो मैं कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जाओ बेटा, शादी करो, अपना घर बसाओ और हमेशा खुश रहो। जाओ, बस बस बेटा। थैंक यू, जीते रहो बेटी। अदालत ने बच्चा समझ के छोड़ दिया, दुनिया ने पागल समझ के छोड़ दिया, और पागल खाने वालों ने ठीक समझ के छोड़ दिया। पर मेरे लिए वो कल भी एक खूनी था और आज भी एक खूनी है, इसलिए मैं चाहती हूं अब जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को उस खूनी की छाया से भी दूर ले जाइए। आप मुझे उस टीचर का पता दे सकते हैं? बहुत मजा आया। रिया, कोई संजना का फोन है तुम्हारे लिए। संजना मेरे लिए? हाँ, कोई कॉलेज टीचर है, कह रही थी इट्स अर्जेंट। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? पता नहीं कौन है। अच्छा चलो। मैं देखता हूँ। हेलो हेलो, सॉरी फोन कट गया था। रिया, मेरा नाम संजना है, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस आदमी से आप प्यार करती हैं ना, वो आदमी एक जानवर है, जानवर। मुझे आपको और भी कुछ बताना है, कब मिल सकती हूँ मैं? हेलो हेलो, कौन है, किसका फोन था, क्या हुआ, आर यू ओके? इरिटेटिंग रॉन्ग नंबर। बाय।
प्रिया क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, आई लव यू। आज हो क्या गया तुम्हें? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा। डर? किस बात का डर? तुम्हें खोने का डर। प्रिया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारे पास ही तो हूँ, मुझे कौन छीनेगा तुमसे। बस तुम मेरे साथ बात करो, आज सारी रात मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। आर्यन, मैं तुमसे सुबह ही तो मिलने वाली हूँ। प्लीज रिया, तुम मेरे साथ बात करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा बात करना अच्छा लगता है तो मैं यहीं बैठकर सारी रात तुमसे बात करूंगी। जल्दी से कुछ खा के निकल जाते। रिया, अरे तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या हुआ? वो रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे कोई लड़की आई थी तुमसे मिलने के लिए, कह रही थी कि अगर तुमसे ना मिल सकी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सीरियस मामला लगता है। क्या ना बताया था उसने? संजना टीचर। संजना टीचर? पता नहीं कौन है, क्या चाहती है मुझसे? अरे अभी अभी गेट की तरफ गई होगी, जाओ जाके देखो उसे। क्या नीले रंग की साड़ी पहनी थी उसने, जाओ जाके देखो। ठहरो, मैं देखता हूँ। आपको तो डॉक्टर नहीं रेस का ड्राइवर बनना चाहिए था, क्या चकमा दिया आपने उसको। कैसा रहा अंकल? जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। उसने नताशा को संजना समझकर हमारा पीछा किया और लग रहा है कि उसे यकीन हो गया है कि संजना वापस शहर में आ गई। नताशा देखो बेटे, अब यहां से रास्ता और खतरनाक होने वाला है। सोच लो, तुम इस खतरे में हमारे साथ रहना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो यहां से कहीं और जा सकती हो। अंकल, रिया आपकी बेटी ही नहीं, हमारी फ्रेंड है। तुम दोनों जो मेरे लिए कर रहे हो उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। बस आई होप उसने हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया हो। MH02R9180 या तो किसी प्राइवेट टैक्सी का नंबर है। रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है? कोई एजेंसी है, आदर्श रेंट अ कार नाम की, जूहू चर्च के पास। सिल्वर ग्रीस येलो, उनका नाम है संजना, उन्होंने ये गाड़ी यहाँ से हायर पे ली थी। एड्रेस? 41 पूनम पैलेस,
पाली हिल रोड बांद्रा मुंबई। करने आए हो? तुम्हारा मुंह बंद करने। एक बार फिर तुम मेरे प्यार के रास्ते में आ गई हो संजना। जब मैंने तुम्हें चाहा, मुझे अपने से अलग कर दिया, और रिया को चाहा, तो तुम मुझे उससे अलग करना चाहती हो। हाँ, क्योंकि तुम तब भी गलत थे और अब भी गलत हो। तुम रिया को धोखा दे रहे हो। उसे तो इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारी माँ आज तक जिंदा है, और उनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से तुमने अपने पापा का खून किया है। वो नहीं जानते, पर तुम तो जानती हो ना कि जो आदमी संजना के लिए अपने पापा का खून कर सकता है, वो आदमी रिया के लिए संजना का भी खून कर सकता है। पापा ने तुम्हें छीना और वो गए। तुमने रिया को छीनना चाहा, तुम गई। सब चाल तुम्हारे पापा की है, वो हमें अलग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम मुझसे प्यार करो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे रिया। पास मत आओ मेरे। प्यार नहीं एतबार किया था मैंने तुम पर। सारी दुनिया चीख चीख कर कहती रही कि तुम एक झूठे हो, मक्कार हो, खूनी हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों का यकीन करती गई। तुमने मेरे प्यार के साथ साथ मेरे एतबार को सबके सामने झूठा बना दिया। तुझे गोली मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए तुझ जैसे जानवर को मैं पिंजरे में बंद कर रहा हूं। Get out! क्या कहा था मैंने आपसे कमिश्नर साहब? ले जाओ इसे। चल। नहीं। शट अप। रिया। रिया। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रिया। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रिया कहाँ जा रही हो बेटे? कहीं भी, जहां मुझे आपसे नजर न मिलानी पड़े। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं ना पापा? अब तक तो नहीं दिया, लेकिन हम जरूर दे रही हूं। इस तरह सुबह के पापा कैसे?
कैसे आप मुझसे प्यार कर सकते हैं? इतना कुछ हो गया, आप कैसे माफ कर सकते हो मुझे? नफरत नहीं होती आपको अपनी बेटी से? क्यों आपका दिल इतना बड़ा है पापा, क्यों? क्योंकि ये एक बाप का दिल है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस उसे पहचानने में तुमसे गलती हो गई। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने उसे पहचानने में गलती की। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमेशा मैं आपको गलत समझती रही, हमेशा आपकी बातों का गलत मतलब समझती रही। आपको पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से पापा। पता नहीं मैंने उसे क्यों अपने नजदीक आने दिया, क्यों उसे अपने आप को छूने दिया, क्यों उससे प्यार किया मैंने पापा, क्यों क्यों? कल सुबह 10 बजे तुझे थाने जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो कुछ करना है रास्ते में ही करना पड़ेगा। कोई प्लान है क्या तेरे पास? प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं। बहुत ही रिस्की मामला है। मैं तो कहता हूँ एक बार ये लफड़ा खत्म हो जाएगा ना, फिर चेन्नई जाके सेटल हो जाएंगे, फिर पलट के देखने का नहीं उस लड़की को। रिया मेरी सिद्ध है, अपनी सिद्ध के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कहा था मैंने उससे अगर हमें किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे वो रिया ही क्यों ना हो। या तो रिया मेरे साथ जिएगी या फिर नहीं जिएगी। हेलो, क्या हुआ? आर्यन, चार पुलिस वालों को मारकर फरार हो गए हैं। कमिश्नर साहब कह रहे थे कि जब तक वो पकड़ नहीं जाता हमें सावधान रहना चाहिए। थैंक गॉड इस वक्त हम बॉम्बे में नहीं है, और इस जगह के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं। वो जानता है पापा। वो यहाँ आ चुका है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब पापा पापा वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा पापा। उसने कहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारा कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। कमिश्नर साहब को बताना पड़ेगा। फोन स्टेट है। पापा वो आ गया, वो मुझे मार डालेगा पापा। एक मिनट,
मैं 10 तक गिनूंगा। तुम बाहर आओ, मेरा हाथ पकड़ो और चलो यहां से। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर गिनती खत्म तो तुम सब खत्म। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। Yeah!
शीतल भागो, बोट में जाओ, बोट में, भाग, भाग, get out, run, 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 everything.
इंसान जब गिरता है तो उसे चोट तो जरूर लगती है, लेकिन वो चलना बंद नहीं कर देता। जाओ बेटे, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है।